आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। आर्थिक संकट से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के सत्ता में आने के करीब पौने दो साल बाद पहला गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया है। मामला शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। सत्ता में आने के साथ ही भूपेश सरकार ने 14,580 पदों की भर्ती की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोरोना संकट के बीच सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त परीक्षाफल की सूची में एक वर्ष की समय सीमा बढ़ा दी है। शिक्षक भर्ती को लेकर सोमवार को प्रदेश के तमाम जिलों में बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं करने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। वहीं अभ्यर्थियों के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा ने भी कांग्रेस की भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर इस मामले में सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की है। खैर, मुद्दा बड़ा और रोजगार से जुड़ा है। ऐसे में आज इस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां दो बड़े आईएएस अधिकारियों के बीच तनातनी है और इसका खामियाजा प्रदेश के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू होनी थी, जो नहीं शुरू हो पाई। इधर अधिकारियों का कहना है कि मंडल का काम परीक्षा लेना और उसके संबंध में नीति निर्धारण करना है, शिक्षा नीति बनाना उनका काम नहीं है। इसी के कारण पीएस स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अहम के टकराव में छात्रों की पढ़ाई को क्यों प्रभावित किया जा रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां गुरुजन गुस्से में हैं। तो छत्तीसगढ़ में गुर्जर अब गुस्से में है, हालांकि उनका ये गुस्सा लाजमी भी है। इधर बीजेपी इस बड़े मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। शिक्षक भर्ती में हो रही लेट लतीफी पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक जो सरकार कहते नहीं थकती थी कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब वही सरकार उन्हें रोजगार का अवसर होने पर भी रोजगार देने से मना कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि भूपेश सरकार न ही बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है और न नौकरी, सरकार केवल निगम मंडलों में नियुक्ति कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया है। बहरहाल अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। आक्रोश की ये तस्वीरें रायपुर के पूरा तालाब की है। दरअसल भूपेश सरकार ने शिक्षक भर्ती की वैधता को एक साल के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में भारी असंतोष है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार दोपहर सीएम हाउस का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोविड अस्पताल के सामने ही इन्हें रोक दिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में वहां जमा हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल से 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी अब बीएड और डीएड संघ के बैनर तले सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 22 अगस्त को दिए धरने में अल्टीमेटम दिया था कि 1 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसी हड़ताल का ये पहला दिन है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए, कोरोना काल में नए पदों पर नियुक्ति देना संभव नहीं है। वहीं विपक्ष ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को लापरवाह बताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग को कमजोर किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अब कोरोना के समय में
तत्काल में नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री की जो चयन सूची है उसकी अवधि को एक साल से बढ़ाया है। तो क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी सरकार लापरवाही बरतना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम के साथ युवाओं के साथ ये सरकार छल कर रही है। शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा पात्रता के लिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार को सिर्फ पात्रता सूची जारी करनी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबित है। बहरहाल अब जब हजारों अभ्यर्थी अपनी भर्ती के लिए आंदोलन के लिए उतर आए हैं, तो देखना होगा कि सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर क्या नए सिरे से कोई विचार करती है या फिर अपने पुराने फैसले पर ही कायम रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सुप्रिया पांडे की रिपोर्ट। तो गुस्से में गुर्जर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रमेश बलियानी जी हैं। बलियानी साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी, आपका स्वागत है। डीएड और बीएड प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान हैं। दाऊद जी, आपका स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव पारे जी हैं, आपका स्वागत है। पहले दाऊद जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, इस समय कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में आप लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर लेते तो उसमें कोई बुराई नहीं हम समझते हैं। सर, इतना लंबा इंतजार हम लोग, लगभग 2 साल हो गया है मुख्यमंत्री जी को घोषणा किए, और इतना लंबा इंतजार हम ऑलरेडी झेल चुके हैं। उसके बाद सरकार अगर 1 साल और बढ़ा रही है तो ये मान के चलिए कि 1 साल और ये भर्ती रुकी रहेगी जी। तो कुल मिलाकर 1 साल हम और बेरोजगार रहेंगे। सर, कोरोना काल में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सर, हम जो नौकरी करते थे वो नौकरी भी छोड़ चुके हैं सर, क्योंकि हमें तो ये आशा थी, विश्वास थी, वेरिफिकेशन हो चुका है तो आज नहीं तो कल हमें तो शिक्षक बनना ही है। परंतु सरकार ने जब 1 साल और बढ़ा दिया तो हमें और डर आ गया कि सरकार 1 साल और बढ़ा दी, आने वाले समय में हो सकता है कोरोना नहीं गया तो 1 साल और बढ़ा सकती है जी। तो ये चीजें हैं सर, जिसके कारण हमें ये आंदोलन करना पड़ा, ये हड़ताल करना पड़ा। हम सरकार का ये हम इसलिए, और ये हमारी पीड़ा यहाँ पर बढ़ी सर, कि सरकार कोरोना काल के चलते अगर नहीं कर पा रही है तो किसी चीज की भर्ती नहीं करती। कोई चीज नहीं होता तो हमें बिल्कुल भी निसंदेह हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते, परंतु इसी कोरोना काल में जितने उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय खोले हैं सरकार ने, रायपुर में 3 विद्यालय हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में संविदा भर्ती कर रही है सरकार, और इस संविदा भर्ती में जो मानदेय है शिक्षकों का वो भी हमारे, हमको जितना मानदेय मिलना चाहिए उन्हीं के बराबर है। तो ये हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब आपके पास संविदा भर्ती करने के लिए है तो हमारे, हमारा भर्ती तो लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, आप उसको भी कंप्लीट कीजिए। और हम तुरंत नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं सर, हमारा मांग तो सिर्फ ये है कि सरकार एक डेडलाइन दे दे, एक तिथि निर्धारित कर दे, एक समय सीमा बांध दे, कि जिस तरह से उन्होंने शिक्षा कर्मियों के संविलियन के लिए बांधा है कि नवंबर में होगा शिक्षा कर्मियों का संविलियन, ठीक वैसे ही हमारे लिए भी समय सीमा बांध दे कि दिसंबर में होगी शिक्षकों की भर्ती। हम बस यही चाहते हैं सर कि सरकार एक समय सीमा तय करे, ताकि हम, सरकार ने समय सीमा तय कर दी है 1 साल के अंदर, विश्वास बना रहा है, विश्वास टूटे ना। सरकार ने समय सीमा तय कर दी है 1 साल के अंदर, 1 साल और रुकना नहीं सर, सरकार 1 साल और बढ़ाई है, समय सीमा तय नहीं की है, अभी 1 साल और हमारी परीक्षा अवधि को बढ़ाया गया है, हो सकता है अगर कोरोना नहीं हटा तो आने वाले 1 साल के लिए और बढ़ा देंगे, तो कुल मिला के हम तो बेरोजगार ही रहेंगे सर। हमारा कहना सिर्फ यही है कि जिस तरह से आपने शिक्षा कर्मियों के संविलियन के लिए एक समय सीमा तय कर दी कि नवंबर में आप लोगों का होगा, ठीक वैसे ही हमारे लिए भी समय सीमा तय कर दे, और अगर उसके बावजूद सरकार के पास वित्तीय समस्या है तो हम नो वर्क नो पेमेंट में भी काम करने के लिए तैयार है सर। जी, बिल्कुल सही। हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, जब तक स्कूल नहीं खुलेगी तब तक हम नियुक्ति नहीं लेंगे, स्कूल खुलने के बाद ही हमें नियुक्ति चाहिए, लेकिन कम से कम प्रक्रिया को धीरे धीरे जो कछुआ चाल से चल रही है उसे आगे तो बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां भी तो हुई है, उनके लिए नहीं कह रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालयों की नियुक्ति के लिए आप कह रहे हैं। राजनीतिक नियुक्ति की तरफ, मैं राजनीति की तरफ नहीं जाता सर, हम शिक्षक वर्ग से हैं और भर्ती की बात हो रही है तो जो संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई है हम उसी की बात कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए जो कुछ भी किए
उसका स्वागत है, गोधन न्याय योजना का भी स्वागत है, उसमें भी कई बेरोजगारों को कार्य मिला होगा और कई लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उसमें और वो पैसा कमा रहे हैं, परंतु हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं सर, हमारा उद्देश्य ये है कि जो गोबर उठाने वाले हैं हम उनको शिक्षित बनाएं और उन्हें इस समाज में एक अच्छी दिशा दें, एक अच्छा दिशा निर्देश कराएं और हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे भारत देश का एक बढ़िया नागरिक बनाएं। चलिए बहुत अच्छा बोला आपने। चलिए राजनीतिक नियुक्तियों में तो आप नहीं बोलेंगे, बल्यानी सुन लीजिए, उपासना जी बोलेंगे, पहले उपासना जी से बात कर लेते हैं। उपासना साहब बात भी सही है, भूपेश सरकार ने किया तो कम से कम, लेकिन आप लोगों ने तो किया ही नहीं, भर्ती ही नहीं की थी शिक्षकों की, 40-45 हजार पद खाली हो गए। भर्ती नहीं किया से नहीं है, सारी भर्ती की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने जहां जहां आवश्यक हुआ लगातार की है जी। लेकिन आपने, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपने मार्च 2019 में आपने विज्ञापन निकाला, उसके बाद आपने भर्ती के लिए 30,000 अधिक लोगों ने उसमें आवेदन दिया जी। और सारे लोगों ने ये मानकर कि भी उसमें हमारी प्रक्रिया से चयन होगा, जो चयनित प्रत्याशी है वो आज वास्तव में बाढ़ जो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, धोखाधड़ी ठीक नहीं है शिक्षकों के साथ। जहाँ बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हमारी को आप नियुक्ति दे दें, जब ज्वाइन करेंगे तब तनख्वाह लेंगे, इतनी बातें हो रही है, लेकिन आप एक समय एक वर्ष की अवधि जो है ये कहकर नहीं बढ़ा रहे कि एक वर्ष के हम आपकी नियुक्ति दे दिया है, आपको एक वर्ष के बाद हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, ये नहीं कह रहे हैं, या एक वर्ष तक उनका वेतन क्या होगा। भाई आप सभी प्रकार के काम तो कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण में कोई काम रुका है क्या? सारी आपकी ट्रांसफर उद्योग खुला हुआ है, रोज नई नई चीजें आ रही है, आप निगम मंडलों की नियुक्ति कर रहे हैं, आप जो है संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं, आप विधायकों का तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, भत्ते बढ़ा रहे हैं, विधानसभा का सत्र ले रहे हैं और आप शिलान्यास भी कर रहे हैं, तो ये सारे आप खर्च करते जा रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि आपको कोरोना के संक्रमण के चलते ये 14,000 जो शिक्षक हैं उनको आप जो है उनकी नियुक्ति पर एक प्रकार से विराम लगा दिया आपने एक वर्ष तक, एक वर्ष के बाद भी आप ये कहेंगे कि अभी तो जैसा भी है उनके अध्यक्ष जी कह रहे थे, क्या गारंटी है कि एक वर्ष के बाद आपका कोरोना का संक्रमण खत्म होगा नहीं होगा, और उस समय फिर आप कहेंगे। एक गारंटी होनी चाहिए कि आपने जो समय सीमा घोषित की है उस समय सीमा में आपके सारे, जिस प्रकार से पुलिस प्रक्रिया को भी इन्होंने अटका कर रखा, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, तो वो पुलिस के जवान भी जो आवेदन किए थे वो भारतीय जनता पार्टी के समय की चली हुई प्रक्रिया, केवल उनको नियुक्ति देनी थी, उस पर भी आपने कह करके इसमें कमीशन खोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए रोक दिया। तो आज बेरोजगारों के साथ आप स्वयं कहे थे, आपका जन घोषणा पत्र उठा कर देख लीजिए, उस जन घोषणा पत्र में क्लियर आपने लिखा है कि हम पहले वर्ष में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ये आपका उसमें ध्येय वाक्य है कि आते ही हम पहले वर्ष के अंदर, ऐसा भी नहीं कि पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष के अंदर हम 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। साथ में बेरोजगार नौजवान है उनको 2,500 रुपए आपने कहा था कि उनके खाते में हम आते ही जो है, यदि बेरोजगार है प्रदेश में तो उनके खाते में 2,500 रुपए हम उनके बेरोजगारों का भत्ता भी देंगे। तो आप न तो उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, न आप उनको नौकरी का आवेदन उनका नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो वो क्या फाखे मारेंगे? उनको आप किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, एक साल से वो तो आंदोलन कर रहे हैं, तो चेतावनी भी दी सरकार को, कोई नुमाइंदा उनसे जाकर बात करने को तैयार नहीं, आज भी लाठियां डंडे से उनको हकाल दिया जैसे आप जानवरों को हकाल रहे हैं। आप बात तो करिए उनसे, उनसे संतोषजनक, आप तो उन तारीख खत्म हुई, आपने एक साल उनका समय सीमा बढ़ा दी, जिस स्थिति में थे वैसी है, कोई उसमें उपासना जी जैसा कि आपने कहा, बल्यानी जी को थोड़ी मालूम था जब घोषणा पत्र बना रहे थे या वादा निभाव पत्र बना रहे थे तो उनको मालूम रहा हो कि कोरोना आ जाएगा भविष्यकाल, उनको उस समय थोड़ी मालूम था कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना महामारी जैसे यहाँ आ जाएगा छत्तीसगढ़ में भी। दूसरा, हकालने की बात कर रहे हैं, आपके जमाने में ऐसा हकालते हुए मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं की हड्डियां टूट गई हैं। एक साल बाद का ये मामला, एक साल पहले का मामला है सर, एक मिनट बोलना। वादा तो आपको निभाना पड़ेगा, वादा आपने किया है जी, वादा निभाना पड़ेगा जी सर। हाँ बोलिए दाऊद जी। सर एक मिनट बोलना चाहूंगा जी। हाँ सर, ये मैं इस चीज में, हमारी भर्ती में मैं राजनीति नहीं करवाना चाहता, हम सर 2017 से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैठे हैं सर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं आपको बता दूं, 2017 से जब हम आंदोलन में बैठे थे, 2018 में ईदगाह भाटा में हम भूख हड़ताल में बैठे थे सर, पानी गिरता था,
वहां पर हम लोग टेंट में ही अपने बैठे रहते थे सर, कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा कोई नहीं आया और ना ही उन्होंने अपने शासनकाल में कभी भर्ती निकाली। जी जी, मैं सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाली, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि कांग्रेस नहीं कर रही है, और उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है जो तीन चार दिन पहले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को ही दंडस्थ मारते हैं, और वहाँ एमपी के जो हमारे नेतागण है कहते हैं कि ये बुरा हुआ। नहीं, यहाँ तो अभी नहीं मारा भाई राउत जी, मध्य प्रदेश बिताई नहीं हुई है आपको, हमको नहीं मारा सर, हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, और हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ है सर कि कांग्रेस के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता हमारे साथ आए, पूर्व शिक्षा मंत्री जी सत्यनारायण शर्मा जी आए, विकास उपाध्याय जी आए, संसदीय सचिव कुलदीप जुनेजा जी आए और गिरीश देवांगन जी आए, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मारा है डंडों से, बहुत मारा। अरे दाऊद जी, मध्य प्रदेश में पिटाई नहीं हुई अभी, आपने कहा कि हमारे लोगों को मारा है, यहाँ तो नहीं हुई है, हमारे लोगों को नहीं सर, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ही वहाँ दो तीन दिन पहले आंदोलन के लिए गए थे सर, उनको गिरफ्तार किया गया था, मैंने न्यूज में देखा था सर इसको। आपको ज्यादा जानकारी होगी, हमें कम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी फिलहाल यहाँ। जी उपासना जी, आप किस तरह से बल्यानी से उत्तर ले लें, सारा उत्तर तो नहीं, यहाँ नहीं सर एमपी में। मैं कह रहा था ये एक तरफ तो ये राजनीति, हम तो विपक्ष की भूमिका में है, वो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम तो हमको भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने कहा है, इस सरकार ने कहा है और उसको हम याद दिला रहे हैं विपक्ष के नाते कि आपने विज्ञापन निकाला है, आपने सारी भर्ती के सत्यापन की प्रक्रिया कर ली है, सत्यापन की प्रक्रिया के बाद आपको केवल उनको नियुक्ति का आदेश देना है, उस आदेश को देने में आप विलंब कर रहे हैं, हम तो इनके साथ खड़े हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम केवल यही कह रहे हैं कि उनका जो वादा है उसको पूरा करना है। उन्होंने ये कहा कि 2017 से बैठे हैं, आपकी सरकार के समय से बैठे हैं, ज्ञापन दिया है मेरे पे, इन लोगों ने ज्ञापन दिया तो उस आधार पर मैंने लड़ाई लड़ने प्रारंभ किया इनके पक्ष में, यदि यदि मेरे पर विश्वास नहीं था तो मेरे को ज्ञापन क्यों देते, मेरे पे इन्होंने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के आधार पर मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मैंने सारी प्रेस के सामने बातचीत भी की है, तो मेरा जो फर्म है, मेरे को आपने विपक्ष के नाते मेरा ज्ञापन दिया है, आपका ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संघ के माध्यम से, उस ज्ञापन के माध्यम से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इनकी। नहीं, उनका कहना है कि 2017 में आपकी सरकार थी तब से बैठे हैं, उस समय आप इनको परमानेंट करा देते ना, साफ दे तो मैं बिल्कुल नहीं साफ दूंगा। चलिए चलिए बल्यानी जी, आपका काम तो दाऊद जी कर रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, एक तरफ उपासना जी बोले राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, दाऊद जी ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय में आप भर्ती कर रहे हैं, तो इनकी जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सत्यापन भी हो चुका है, तो वैसी स्थिति में इनको नियुक्ति पत्र देने में क्या हर्ज है? आप बोल रहे हैं कोरोना काल, कोरोना काल जैसा उन्होंने कहा, अभी कह नहीं सकते एक साल रहेगा दो साल रहेगा, कब तक रहेगा कोरोना, एक निश्चित लिमिट बता दीजिए सर त्रिपाठी जी, कब तक कर देंगे ये कह दीजिए उनको। त्रिपाठी जी, जी जितने भी शिक्षा कर्मी हमारे भाई हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों का बुनियादी अंतर समझ लीजिए। जी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में एक सबसे अच्छी चीज ये है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जी उसके लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। जी एक बार हमारे मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट पूरा होगा, लेकिन अभी आपकी जो समस्या है वो कोरोना काल के चलते हुई है। जी कोरोना काल में दो समस्याएं हैं, सारे स्कूल बंद हैं, जी पूरी पढ़ाई बंद है बच्चों की, तो आपको भर्ती भी दे देंगे तो आप कहां पढ़ाने जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, देश की जो दूसरा स्थिति ये है कि हिंदुस्तान की जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में तुड़ी हुई है। हमारा जो जीएसटी का पैसा है, जो सेल टैक्स से सबसे बड़ा रिवेन्यू आता है, इससे आप लोगों की तनख्वाह निकलती है, उस पैसे को नरेंद्र मोदी जी ने रोक लिया है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दिल्ली के खिलाफ आंदोलन करिए कि जो हमारा हक का पैसा है, जिससे आपको तनख्वाह भी ले, कर्मचारी तनख्वाह भी ले, उसके लिए लड़ना चाहिए। उपासना जी कह रहे हैं 1,00,000 रेलवे के कर्मचारियों को 2 साल पहले आपने
दिया है, भर्ती पूरी हो चुकी है, उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार की सारी नौकरियों को आपने रोक के रखा है, आप क्या बात कर रहे हैं उपासने जी? हम तो जो हमने जो कहा हो तो करना शुरू किया है, यदि ये परिस्थितियां नहीं होती तो नहीं होता, कुछ भी होता है तो केंद्र पर मर देते, आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। उपासने जी केंद्र में नहीं मान रहे हैं, अरे आपने सेल टेस्ट को, उपासने जी सेल टेस्ट इसी शर्त में हम लोगों ने वेट टेस्ट को केंद्र के हाथों दिया, आप हमको हर महीने जो हमारा अधिकार है देंगे। आपके पास पेट्रोल डीजल पर आप 16 लाख करोड़ रुपया एक्साइजी लगा के रख सकते हैं, सभी स्टेटों को रोका है। आप हमारी रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं कोयले पर, कोयले पर हमारी रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। हर बात में आप कहेंगे कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है, शिक्षा, अरे केंद्र संवैधानिक व्यवस्था है उपासने जी, संवैधानिक व्यवस्था है, और कोरोना काल में राजनीति नहीं करें। जब आपको केंद्र से ही सब कुछ लेना है, छोड़ दीजिए केंद्र सरकार लेगी सब, आपको तो जनता, अरे हमारा पैसा है, अरे उपासने जी जीएसटी का पैसा तो हमारा पैसा है, केंद्र से थोड़े मांग रहे हैं, शिक्षा का बजट होता है आपके, अरे हमारा अधिकार है, हमारा पैसा आपने रख लिया, कलेक्ट कर लिया, नहीं दोगे आप, इनको क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे उपासने जी आप समझने की कोशिश करो, उपासने जी सुन तो लीजिए उनको, आप जब बोल रहे थे शांत बैठे थे वो, उपासने जी उपासने जी जब आरोप आप लगा रहे थे तब वो शांत बैठे थे, सुन तो लीजिए, फिर आप आपके पास आएंगे, फिर आप कह दीजिएगा। बल्याणी जी आप बोल रहे हैं जीएसटी का पैसा, अरे अकेले आपके स्टेट का नहीं रोका है, पूरे स्टेटों का रोका है। एक आपने कहा भूपेश सरकार जो कहती करती है, भाई आपने घोषणा पत्र में आपने लिखा है, उनने थोड़ी लिखा है, घोषणा पत्र में आप बेरोजगारों की बात कर रहे थे कि हम 2500 देंगे, घोषणा पत्र में आप 50,000 भर्ती की बात आपने की है, तो सवाल आप ही से होगा ना, सरकार आपकी आगे। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी सवाल हमसे होगा जी, हम उस सवाल का जवाब देने को तैयार हैं जी। मैं उपासने जी को बताना चाहता हूँ कि आपने 2003 के घोषणा पत्र में कहा था 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान को, आदिवासी किसान को गाय देंगे, आपने 15 साल में तो वादा पूरा नहीं किया। शिक्षा कर्मियों को संविलियन के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ते रही, 15 साल बाद जाकर संविलियन हो पाया उनका, 15 साल लड़े हम लोगों, शिक्षकों के लिए हम लोग लड़े हैं, तब जाके आप उनकी बात आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। 15 साल बाद सिविलियन चुनाव के पहले किया जी, उनको पूरा करना था, उसके लिए बजाय आपने मोबाइल बांटने में 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दिक्कत क्या है, आज कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि शिक्षा कर्मियों की भर्ती हम इसलिए चाहते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं। जो दिल्ली केंद्र सरकार की मोदी सरकार की शिक्षा नीति है, वो शिक्षा को सरकारी क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को, अरे आप सरकारी क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र में डालना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है ऐसा। कल्याणी साहब उपासने जी क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी क्या कर रही है? पार्टी जी हम चाहते हैं शिक्षकों की भर्ती हो, हम चाहते हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो जिनको अभी भूपेश बघेल सरकार ने टाइम लिया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, आपने जो चयनित कर लिया है इनको एक डेडलाइन बता दीजिए कब तक, वो बोल रहे हैं कि एक साल बाद भी हमें अगर में अगर आप कहते हैं इस तारीख के पहले पहले सबकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति पत्र दे देंगे, इस मुद्दे पे हम आपसे जानना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी जी, मैं तो सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि उनको मुख्यमंत्री की बात पे भरोसा करना चाहिए, यदि एक साल की समयावधि लिया है तो केवल कोरोना काल के लिए लिया है, कोरोना काल से जैसी मुक्ति मिल जाएगी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री आपके मामले में तुरंत पहल करेंगे। जिस काम को भूपेश बघेल जी ने लिया है पहल करके निपटाने का काम किया है, चाहे किसानों से धान खरीदी का मामला हो, उनका अंतरराशि देने का मामला हो, सबको हम लोगों ने निपटाने का काम किया है, कि लटकाने का काम नहीं किया है। ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए आप विश्वास रखिए, जो आपके साथ कमिटमेंट है कमिटमेंट हम लोग पूरा करेंगे। आज की परिस्थिति बड़ी गड़बड़, बाकी राजनीतिक नियुक्तियां शिलान्यास अन्य नियुक्ति है क्या, कोरोना सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, वो नियुक्तियां भी 1.5 साल 2.5 साल से रुकी हुई थी जी, उनमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक भार नहीं है,
सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना काल में शिक्षकों से हम क्या सेवाएं लेंगे। त्रिपाठी जी सबसे बड़ा सवाल तो ये साल भर बंद रहेंगे स्कूल क्या, कि कोरोना काल में यदि हम भर्ती भी कर लेंगे तो क्या सेवाएं लेंगे। तो जब स्कूल खुलेंगे आज सबसे बड़ा हमारे सामने संकट ये है कि आम आदमी के जीवन की रक्षा किया जाए। आज सारी मशीनरी पूरा सरकार सारा फोर्स आम आदमी के जीवन को करोड़ों से बचाने में लगा हुआ है। पूरे साल स्कूल बंद रखेंगे क्या जी, पूरे एक साल तक स्कूल बंद रखेंगे क्या? स्कूल तो बंद नहीं रखेंगे, मेरा वो कहना नहीं है जी, स्कूल बंद नहीं रखेंगे। ये कोरोना की परिस्थितियां क्या बोलती है उस पर आप निर्भर करेगा स्कूल कब खुलेंगे जी। जी उपासना जी आप, लेकिन मेरा इनसे निवेदन ये है कि ये सब्र रखें जी, हम इनके इनकी इनकी मांगों के प्रति हम लोग कमिटेड हैं, इनकी मांगों की पूर्ति की जाएगी जी। जी राव जी, राव जी बोलिए। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि सर कितना धैर्य रखें, डेढ़ साल तक हम लोग धैर्य रखकर ही बैठे थे और उस धैर्य रखने के बाद आप एक साल और बढ़ा दिए तो कुल मिला के अब ढाई साल हो गया। आने वाले समय में हो सकता है और धैर्य रखो। एक तरफ आप लोग बोलते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ रोजगार के लिए आप लोग हल्ला बोलो, सर आप लोग खुद मिसाल बनिए, आप लोग एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि कोरोना काल में भी भूपेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की, उसके बाद आप आवाज उठाइए केंद्र सरकार के खिलाफ। हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे सर, क्योंकि हमें पता रहेगा, हमें विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको नौकरी दी है तो निश्चित तौर पर सर हम लोग आपका, हम लोग 1.5 लाख लोग हैं सर, सिर्फ 14,580 लोग शिक्षक बनेंगे, बाकी लोग पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगे सर। चलिए, लेकिन पहले आप लोग उदाहरण तो प्रस्तुत जी। जी जी उपासना जी, आप कुछ कह रहे थे? आप आपके साथ हमारे पार्टी के नेताओं ने चर्चा की है, आपकी भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें जी। उपासना जी, मात्र से नहीं, इनको खातरी चाहिए इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। आप इनको पहले 22 तारीख को इन्होंने चेतावनी दी थी, उस चेतावनी का कोई असर इस सरकार पर नहीं पड़ा, इनके नुमाइंदों पर नहीं पड़ा, तब ये जाकर रायपुर की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आए हैं, सीएम हाउस घेराव करने के लिए आए हैं। तो समय अभी भी है कि आप ये एक वर्ष का जो समय बढ़ाए हैं उसमें इनको कल जाके खातरी करा दे वरलैनी जी कि भाई हम जो है आपकी नियुक्ति दे रहे हैं लेकिन आपको एक में एक साल बाद तनख्वाह देंगे, कोरोना के कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसा करके आश्वासन दे के नियुक्ति पत्र तो दे दें। ये तो तैयार है कि नियुक्ति पत्र जी, नियुक्ति पत्र दे दें इनको, वेतन तो ऐसा है आज इनसे हमारी एक साल में ये कहां कहां नौकरी में चले जाएंगे, कहीं पर बेचारे काम धाम में लग जाएंगे, तो फिर ये नौकरी तो गई इनकी, क्या एक साल में क्या भरोसा किसी का? उपासे जी कहां आप सारे जी, आप ऐसा समझते हैं क्या आज नियुक्ति पत्र देंगे तनख्वाह को एक साल बाद मिलेगी, ऐसा संभव होता है क्या? वैधानिक रूप से संभव है क्या ऐसा कि आज नियुक्ति दे दें और तनख्वाह बोलेंगे एक साल बाद लेंगे? ये संभव है क्या व्यवहारिक रूप से? कोई सरकार ऐसा कर सकती है? कोरोना काल संक्रमण नो वर्क नो पेमेंट ऐसा कोई सिद्धांत लागू होता है? हम लोगों को कोरोना काल में भी पूरी तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, आपको आश्वासन जी, आप भी वकील हो, मैं भी वकील हूँ, जो आप कह रहे हैं क्या वो कानूनी रूप से सम्मत तर्कसम्मत लगता है आपको? आपको आपको जो है इनको आश्वस्त करना पड़ेगा। बाकी हमारी हमारी पार्टी के नेता लोग सब लगातार संपर्क में हैं इनसे, इनकी इनकी समस्या का हल करने के लिए हम किस तक गर्वित हैं। अंग्रेजी शिक्षकों से भर्ती के लिए अभी भी आपने विज्ञापन निकाला है, कुछ संविधान नियुक्ति में आप रखते जा रहे हैं, तो उनको कैसे रख रहे हैं आप? आपका अरे संविधान नियुक्ति 2 या 3 स्कूल जो पिछले 2 साल से चल रहा है उसके लिए है, 2 या 3 जो कुछ इंग्लिश मीडियम के बहुत लिमिटेड स्कूल है उनके लिए हो रहा है वो। चलिए कुछ कुछ न कुछ रास्ता निकालिए बल्लानी साहब, हमारे साथ प्रणव पारे जी है, प्रणव जी आपके नहीं जी हम लोग शिक्षकों के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं जी, इसलिए हमारी पार्टी के नेता उनके लगातार संपर्क में है जी। चलिए प्रणव जी आपका एक्सपर्ट कौन चाहिए इसमें? देखिए सर, जो अभी वाल्यानी जी को मैं सुन रहा था, जगदीश भैया को भी सुन रहा था जी, तो बात इतनी लग रही है कि शासन की प्राथमिकताएं जो है वो तय नहीं है ना, पहली चीज कि वो प्राथमिकता क्या है, शासन इनको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, पहला सवाल। दूसरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो जिनका संविलियन आपने पहले भी किया था छत्तीसगढ़ से, मैं छत्तीसगढ़ से ही आता हूँ बेसिकली, तो उनका अभी क्या हाल है, वो कौन सी ड्यूटी पे लगाए गए हैं? तो शिक्षक और स्कूल
अगर आप इनको देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो डेफिसिट तो बहुत बड़ा है, शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सरकार को ये तय करना है कि उनकी प्राथमिकता क्या है और वो शिक्षकों को किस, ये कोरोना और संकट ये कोई वो बात नहीं, शासन अगर चाहे तो निर्णय ले सकता है, शासन छत्तीसगढ़ शासन और जो पहले से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षक उनकी भी जो आर्थिक संकट है ना अभी, नहीं तो आर्थिक संकट ठीक है, अपनी जगह है आर्थिक संकट, तो फिर वो वेतन कैसे देंगे? तो सर जो अभी संविलियन जिनका हुआ उनके भी वेतन और उनके काम को भी लेकर विवाद होता रहता है, तो सर प्राथमिकता की बात है, प्राथमिकता शासन तय कर ले कि उनको करना क्या है, उनको लेना है या नहीं लेना है, ये केवल प्राथमिकता का ही सवाल है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बात है। प्राथमिकता तय कर लीजिए, प्राथमिकता नहीं लेने वाला तो बात है ही है, लेना है, केवल टाइम फैक्टर बढ़ाया है हमने जी, लेना तो कमिटमेंट है, केवल टाइम फैक्टर एक साल की अवधि बढ़ाई है जी जी, कहीं थोड़ा आप अभी कम करवा दीजिए वल्लभी साहब, आपका इतना प्रभाव है तो कम करवा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बिल्कुल हम उनके साथ हैं जी 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 सर जी, बोलिए। हम लोग शिक्षकों की मांगों के साथ हैं और उनकी मांगों की पूर्ति कराएंगे, अभी केवल टाइम फैक्टर का मामला है, इसके अलावा कुछ मामला नहीं है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बल्याणी साहब, आपका, उपासना जी आपका, दाऊद जी आपका, हमारे चर्चा में भाग लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है, ऐसे में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से सुधार आ जाए इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 14,580 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई जो पूरी भी हो गई, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। कोरोना का कारण बताकर भर्ती प्रक्रिया को कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरे एक साल के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में गुर्जर गुस्से में और उन्होंने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर अपनी आवाज भी बुलंद की। इधर बीजेपी गुर्जर के गुस्से को गुंडा बनाकर सरकार पर हमला बना है। वैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर है और ये बात किसी से छुपी नहीं, आज की तारीख में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब ऐसे में भूपेश सरकार गुर्जरों के गुस्से पर काबू पाने के लिए अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करती है या नहीं देखना होगा। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां अधर में एजुकेशन है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच नई शिक्षा नीति 2020 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव ने ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया था, लेकिन मंडल के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के आदेश को प्रमुख सचिव यानी पीएस स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया। ऐसे में 7 सितंबर से छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की जो शुरुआत होनी थी वो नहीं हो पाई। वहीं अब सवाल ये है कि अपने अधिकारों और अहम के टकराव में छात्रों की पढ़ाई को आखिर क्यों प्रभावित किया जा रहा है।